तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ए फ्रेश व्लॉग। इट्स बीन अ मंथ, मैंने वीडियो नहीं डाली थी, तो आज मैं एजेंसी जा रहा हूँ क्योंकि कल मैंने अपनी इनोवा सर्विसिंग के लिए दी थी, तो उसको लेके आएंगे आज। और थोड़ा सा मैंने इसमें भी काम करवाना है, जो इसका हेडसअप डिस्प्ले है वो मैं आज निकलवा दूंगा क्योंकि बहुत ही ख़राब है। प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मत लगवाना भाई, मत लगवाना। कोई भी एक्सेसरी जो इनका मतलब जो नीचे दरवाजा खोलने पे जो लाइट जलती है, एक फॉर्च्यूनर, वो इसकी ख़राब हो चुकी है। और ये जो हेडसअप डिस्प्ले इस पे इन्होंने इंटीरियर में होल किया था, उसके बाद ये लगाया था, तो ये अब मैं निकलवाऊंगा तो वो होल रह जाएगा, तो उसका भी मेरे को कोई ना कोई जुगाड़ करवाना पड़ेगा। तो अभी मैं और पुलकित जा रहे हैं और मिलते हैं आपसे एजेंसी में, निकलवाने के बाद देखते हैं कैसी लगती है और कैसी दिखती है ये। ये इसकी फिटिंग की हुई थी, देख सकते हो आप, इसमें आपको गैप्स भी दिखेंगे, मतलब फिटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, ऐसे लगता है आफ्टर मार्केट कहीं से एक्सेसरी लगवाई हुई है। और यहाँ पे नीचे से इसकी एक वायर जाती है जिसके लिए यहाँ पे होल करना पड़ता है, तो इसको आज निकलवाते हैं फिर देखते हैं कैसी दिखती है, क्योंकि गाड़ी चलाते टाइम भी बहुत बड़ा है, आगे दिखता भी नहीं है, बोनट भी पूरा नहीं दिखता है इसकी वजह से, तो इसको अभी हम आज निकलवा देंगे। तो ये पहुंच गए हम एजेंसी टोयोटा की, ये रही हमारी गाड़ी, बिल्कुल चमचमाती हुई, इन्होंने वॉश करके लगा दी है यहाँ पे। अभी इसका हेडसअप डिस्प्ले निकलवाते हैं और फिर देखते हैं। बहुत फॉर्च्यूनर बिक रही है, अब एंडेवर बंद हो चुकी है, इसलिए देख सकते हो आप 1, 2, 3 फॉर्च्यूनर लगी हुई है यहाँ पे, और इनोवा क्रिस्टा तो बिकती है इनकी सबसे ज़्यादा। बस ये पता नहीं टोयोटा वालों ने क्यों कर दिया, मारुति की गाड़ियां रीबैज करके बेच रहे हैं, मत करो ऐसा भाई। ये गाड़ी हमारी सर्विस होके खड़ी है और बिल्कुल नई लग रही है, मतलब बहुत दिनों बाद गाड़ी वॉश ऐसे देखी मैंने, नहीं तो गंदी रहती है हमेशा, ये बिल्कुल चमक चुकी है। गाड़ी पूरी इन्होंने अंदर से भी चमका दी है। अगर आप चाहते हो मैं इसका भी रिव्यू बनाऊं तो प्लीज कमेंट डाउन। और पुलकित अभी चेक करता हुआ, हाँ भाई कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, ऑल गुड ऑल गुड। अभी थोड़े दिनों में एक और क्रिस्टा आ रही है फैमिली में, अंदर जो ब्लैक कलर लगा हुआ था वो मेरा भाई ले रहा है, कज़न मेरा भाई है, तो उसका रिव्यू भी बनाऊंगा। जो मेरी वाली क्रिस्टा है वो 2.8 है, जो अभी नई वाली क्रिस्टा आती है वो 2.4 लीटर्स में आती है, मतलब अभी थोड़ी डिस्प्लेसमेंट कम कर दी इनकी। और बहुत गर्मी है, अंदर में बाहर निकल रहा हूँ। कंप्लीट ही कड़ी है ना कि कपलर करना जस्ट कंप्लीट किन जा निकलना भी कंप्लीट एक्चुअली मीटर के नीचे कनेक्शन लगूंगे ना, मतलब ये हट जाओ बस, मतलब फ्यूचर भी चलाना होगा तो फिर लग जाओ पे दोबारा ना। हां तो कपलर ही करना, कपलर ही कर दो बस। आपसे निकलवाए कि कभी भी इसको फ्यूचर में लगा सकते हैं, प्लग एंड प्ले हिसाब से हो जाएगा, तो कभी लगेगा कि दोबारा से लगाना है तो लगा सकते हैं। ये जो सामने कपलर दिख रहा है, ये कपलर निकाल के दोबारा लगा के फिर से लग जाएगा। तो वो ये है छोटा सा होल, मैंने निकलवा दिया है ये होल जो इसमें रह गया है, अब इसका जुगाड़ करेंगे हम।
तो ये एट लास्ट मैंने निकलवा दिया है हेड्स अप डिस्प्ले। इतना बड़ा था ये, ब्रोशर में देखने में इतना सा दिखाते हैं ये, पर जो असलियत में इतना बड़ा ये सामने डैशबोर्ड पे लगा दिया था। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे लगा हुआ था ये इतना बड़ा। अभी ये निकाल दिया और यहाँ पे छोटा सा होल था, उसकी जगह ये जुगाड़ किया है हमने। इतना दिख भी नहीं रहा, पता भी नहीं चल रहा इसका, और आगे से क्लीन लुक आ रही है अब, नहीं तो पहले ये इतना बड़ा सामने रहता था। बाहर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो हेड्स अप डिस्प्ले अभी हमने निकलवा दिया और ऐसी लुक आ रही है अभी अंदर से, बिल्कुल क्लीन। बोनेट भी इजीली दिख रहा है, और यहाँ पे छोटा सा ये प्लास्टिक का कैप जैसी लगा दी है। तो अभी इनोवा की भी सर्विसिंग हो चुकी है और फॉर्च्यूनर का भी सब डिस्प्ले हमने निकलवा दिया है। तो अभी एजेंसी से हम वापस आ चुके हैं, तो जो दो तीन इशू थे वो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं एजेंसी में। मैं दिखाता हूँ आपको, एक जो मैं बता रहा था कि इसकी जो डोर पे लाइट, वेलकम लाइट बोलते हैं उसे, फॉर्च्यूनर नीचे लिख के रिफ्लेक्ट होता है, वो ख़राब हो गई थी, वो इन्होंने चेंज कर दी है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये अभी अंधेरे में दिखेगा, जैसे ये देख सकते हो आप, ये फॉर्च्यूनर दिख रहा है, ये इसमें मॉइस्चर चला गया था जिसकी वजह से ब्लर दिखता था, नीचे कुछ भी नहीं दिखता था। अभी ये इन्होंने चेंज कर दिया, और जो हेड्स अप डिस्प्ले वो तो मैंने निकलवा ही दिया है। और एक और बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ मेरे को आज मिली, आज मेरे को एक पोस्ट आई गूगल वालों की तरफ से, गूगल एडसेंस, मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और मेरा ये वेरिफिकेशन पिन है, अभी मैं इसको आपके सामने ही ओपन करूँगा। ये कोड मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता हूँ, देख सकते हो आप, योर गूगल एडसेंस पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन, यहाँ पे 6 डिजिट का पिन है, ये मैं डालूंगा अपने अकाउंट में और उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइज तो पहले भी हो चुका था, ये एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए होता है। मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करो और ऐसे ही लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही फिर मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। अंटिल दैट, साइनिंग ऑफ, लिबरेट वीडियोस।